हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय व्लॉग्स, फॉर वाचिंग माय शॉर्ट्स एंड फॉर स्टेइंग ट्यून्ड गाइस। इस व्लॉग में देखिए, मेरे पापा मेरी बाबू रिदा की तारीफ़ कर रहे हैं कि एक तिनका भी अगर मेरे पापा मेरी बाबू को ला कर देते हैं तो मेरी बाबू मेरे पापा को बहुत सारी दुआएँ देती है, जज़ाकअल्लाह खैरन बोलती है और बहुत सारी दुआएँ देती है हमेशा। जब भी मेरी बाबू मेरे पापा को देखती है तो मेरे पापा को हयात में खैर व बरकत के लिए, उनकी मुकम्मल शिफा के लिए और बहुत सारी दुआएं मेरे पापा को मेरी बाबू देती है। जब मेरे पापा का एक्सीडेंट भी हो गया था, पापा चल भी नहीं सकते थे, कंप्लीट बेड पे थे और सब कुछ उनका बेड पे ही कराना रहता था, तब पर भी मेरी बाबू ईच एंड एवरी डे एवरी मोमेंट मेरी बाबू मेरे पापा को दुआएँ देती थी और अल्लाह से दुआएँ मांगती थी कि मेरे पापा जल्दी से ज़मीन पर अपने पैरों को रख सकें और चल सकें और नॉर्मल इंसान की तरह वो दौड़ सकें, भाग सकें, वॉक कर सकें और अपने सारे कामों को खुद से कर सकें। तो मेरे पापा मेरे बाबू की तारीफ़ करते हैं और सब कुछ याद भी रखते हैं कि मेरे बाबू ने हमेशा मेरी रिदा ने मेरे पापा के लिए दुआएं की हैं और अभी तक भी हर एक बात पे मेरी बाबू मेरे पापा को दुआएँ देती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रिदा मेरी है ही बहुत प्यारी गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिदा मेरी बाबू बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है, वो सबको दुआई देती है। ज़रा सी भी अगर कोई भी इंसान मेरी बाबू की अगर ज़रा केयर कर दे ना, अगर उसको प्यार मिल जाए ना, तो वो सबको बहुत अच्छी अच्छी दुआएं देती है, अल्लाह से दुआएं करती है। बच्चा तो फरिश्ता होता है गाइस, उसको ज़रा से केयर दिया जाए, मोहब्बत दी जाए, प्यार दिया जाए, अगर चॉकलेट्स भी दे दी जाए तो वो इतना ज़्यादा खुश हो जाती है, इतना ज़्यादा खुश हो जाती है और दुआएँ देती है। सारे बच्चे अल्लाह के फरिश्ते होते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी रिदा बहुत ही प्यारी है गाइस। ये व्लॉग ये वीडियो है गाइस, जब मैं पापा सबा रिदा ईजान हम सब जा रहे थे पटना से मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए, तो सारे वीडियोस मैंने जो बनाए हैं सारे व्लॉग में ऐड कर करके मैं पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन ऐसे कर करके अपलोड कर रही हूँ आप सबके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, माई ब्लॉग्स, माई शॉर्ट्स एंड फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ मेरे पापा को आप सब अपनी दुआओं में याद रखिए गाइस। मोहम्मद कमरुद्दीन, कि अल्लाह मेरे पापा मोहम्मद कमरुद्दीन को कैंसर से अल्लाह मुकम्मल शिफा दे दे, अल्लाह मेरे पापा की हयात में खैर व बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी बच्ची रिदा को भी अल्लाह ताला हयात में खैर व बरकत दे, मुकम्मल शिफा दे दे। जब से मेरी बाबू आई है मुंबई से, मेरी बाबू की तबीयत ख़राब हो गई है एसी में लगातार रहने की वजह से, ढाई दिन तक एसी में लगातार रहने की वजह से उसे 101 से ऊपर बुखार है और उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे बहुत वीकनेस हो गई है मेरी बाबू को और बुखार भी है। तो दवाएं तो मैं दे रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस इंशाअल्लाह ताला मेरी बाबू जल्दी से अच्छी हो जाए और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह खेलने लगे, दौड़ने लगे, भागने लगे, मेरी बाबू एक्टिव रहने लगे इंशाअल्लाह ताला। तो प्लीज़ गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे सारे वीडियोस, सारे व्लॉग्स, सारे शॉर्ट्स रिदा हयात व्लॉग्स पे, रिदा शमा चैनल पे और रिदा आलम 786 पे आप सब देखा करिए। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद मी, रिदा शमा, रिदा हयात व्लॉग्स और रिदा आलम 786। और आप सब मेरे पापा के लिए दुआएँ करें, मेरी बाबू के लिए भी दुआएँ करें और अल्लाह ताला दुनिया के सारे बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बीमारियों से बचाए अल्लाह ताला। और मेरे वालिद के हयात में अल्लाह ताला खैर व बरकत दे गाइस, आप सब के माँ बाप के हयात में अल्लाह ताला खैर व बरकत दे, सबको मुकम्मल शिफा दे, सबको अल्लाह सेफ रखे, खुश रखे, हेल्दी रखे। थैंक यू सो मच गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर।